ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज की कथा से हम नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं भागवतम के चौथे स्कंद का। तो जब पृथु महाराज उनकी प्रजा पृथु महाराज की प्रशंसा कर रही थी, उनकी उपासना कर रही थी, उसी समय वहां पर जो भी उपस्थित गण थे उन्होंने सबने देखा कि आकाश से चार बड़े ही सिद्ध पुरुष अवतरण कर रहे हैं धरती की तरफ। और उनके विषय में बताया जाता है कि जिस प्रकार से सूर्य तेजस्वी होता है, उसका तेज सब जगह फैलता है, इसी प्रकार ये चार सिद्ध पुरुष जो आकाश से अवतरण कर रहे थे सूर्य की भांति तेजस्वी थे। और वो कहां पर अवतरण कर रहे थे? महाराज पृथु की सभा में। तो आपने तो सुना होगा, जब व्यक्ति योग सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है, जो योग हम करते हैं जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं, अगर हम उसमें पूर्णता अपने जीवन में प्राप्त कर लें तो हमें अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है, आठ प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया जाता है अनीमा लघीमा प्राप्ति ईशिता वशिता। तो ये जो है अनेकों प्रकार की सिद्धियां होती है। एक सिद्धि ऐसी होती है कि व्यक्ति को आकाश में उड़ने के लिए, आकाश में विचरण करने के लिए किसी भी यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें एरोप्लेन लेना पड़ता है, विमान में हम लोग जो है जाते हैं। लेकिन ये जो चार सिद्ध पुरुष थे इनके पास में ये इस प्रकार की शक्ति थी, योगिक शक्ति थी, जिसके द्वारा वो आकाश में कहीं पर भी विचरण कर सकते थे। तो ये चार पुरुष कौन थे? ये थे चतुष्कुमार, चार कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र। तो इन्होंने जब अवतरण वहां पर किया, महाराज पृथु और उनके जो सहचर थे, अनुचर थे, साथ में उनकी जो प्रजा थी, अन्य वहां पर ब्राह्मण गण थे, देवता गण थे, ये सभी पहचान पाए कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये बड़े ही महान संत चतुष्कुमार हैं। और भागवतम में बताया है महाराज पृथु अपने आसन से कैसे उठे, उनका स्वागत करने के लिए
जैसे हमने भी देखा है, कोई अगर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति अचानक आ जाता है, हम क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ करके, हमारा ध्यान कहीं पर भी क्यों ना हो, सब कुछ छोड़ करके बड़ी आतुरता के साथ में हम उठ जाते हैं उन महान व्यक्ति का सम्मान करने के लिए। तो भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन दिया है, पृथु महाराज उन्होंने किस प्रकार से इन चार महान संतों का स्वागत किया। तो कहा है उन्होंने इतनी आतुरता के साथ में, ईगरनेस जिसे कहते हैं, बड़ी ही आतुरता के साथ में इन चार कुमारों का स्वागत किया। और तुलना की गई है, बड़ी सुंदर तुलना है, कि इसी प्रकार से उन्होंने चार कुमारों का स्वागत किया ठीक जैसे एक बद्ध आत्मा, एक बद्ध जीव इस संसार के अंदर में विवश हो करके विवश हो जाता है और इंद्रियों के भोग के लिए जैसे व्यक्ति अत्यंत आतुर होता है, जैसे इंद्रियों के पदार्थ हमारी इंद्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और वो व्यक्ति विवश होकर के, वो चाहता भी ना हो लेकिन विवश होकर के, मान लो उसे कोई फोर्स कर रहा हो, जिस प्रकार से वो आकर्षित होता है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, पृथु महाराज उसी प्रकार से इन चारों संतों का स्वागत करने के लिए बड़ी आतुरता के साथ में उठ खड़े हुए। तो ये जो यहां पर तुलना दी गई है बड़ी महत्वपूर्ण है। हम जब बद्ध जीव होते हैं तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान की इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम इस भौतिक संसार से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो इंद्रियां होती हैं और इंद्रिया की वस्तुएं होती हैं। हमारी इंद्रियां जो हैं इंद्रियों की वस्तुओं की तरफ बहुत आकर्षित हैं। हमारी आँखों के द्वारा हम सुंदर चीज़ों को देखना चाहते हैं, प्राकृतिक सुंदरता, स्त्री की सुंदरता, तो सुंदर चीज़ों को आँखों की जो है तरफ आकर्षित हो जाती हैं। तो आँखों के लिए सुंदर रूप जो है उसका पदार्थ है। इसी प्रकार से कानों के द्वारा हम मधुर शब्द, मधुर गीत सुनना चाहते हैं, संगीत सुनना चाहते हैं। इसी प्रकार से जीभ के द्वारा हम स्वादिष्ट भोजन करना चाहते हैं। नाक के द्वारा हम कुछ जो बड़ी सुगंधित पदार्थ है, सुगंध है, महक है, उसको सूंघना चाहते हैं। तो जैसे हम विवश होकर के ये इंद्रियां जो हैं इंद्रियों के पदार्थों के पीछे भागती हैं, ठीक इसी प्रकार से महाराज पृथु जो है बड़े आतुर होकर के इन चारों संतों का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए। ये भी आपने सुना होगा, एक कहावत है अंग्रेजी की, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। मतलब जो पंछी जिनके पर एक जैसे होते हैं वो एक साथ दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कौवे जो हैं कौवों के साथ में ही दिखाई देंगे, वो हंसों के साथ में नहीं दिखाई देंगे। इसी प्रकार से हंस जो हैं वो हंसों के साथ में ही दिखाई देंगे। ड्रंकर्ड जो शराबी होते हैं, वो जो लोग शराबी हैं वो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार क्योंकि महाराज पृथु अत्यंत आध्यात्मिकता में प्रगतिशील हैं, उन्होंने भी जो है आध्यात्मिकता में प्रगति की चरम सीमा प्राप्त कर ली है, तो वो किनकी तरफ आकर्षित होंगे, अन्य परम हंसों की तरफ, जो भगवान के महान संत हैं, महान भक्त हैं,
जो परम हंस भक्त हैं उन भक्तों की तरफ वो आकर्षित होंगे। तो इस प्रकार से बड़ी आतुरता के साथ में वो उठे और उन्होंने जो है इन चार कुमारों का स्वागत किया। तो हमारी वैदिक पद्धति है, वैदिक परंपरा के अनुसार महान संतों का स्वागत कैसे किया जाता है, स्वयं महाराज पृथु ने अपने द्वारा करके दिखाया, लोगों को उदाहरण देकर के सिखाया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हमें अपने उदाहरण के द्वारा लोगों को सिखाना चाहिए। केवल बोलने मात्र से लोग नहीं सीखते हैं, जब हम स्वयं वो कार्य करते हैं तो लोग जो हैं उसके अनुसार वो भी कार्य करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी बताया है, आपनी आचारी जीवेर सिखाया, अपने आचार के द्वारा उन्होंने सभी को सिखाया भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। इसी प्रकार से महाराज पृथु ने अपने आचरण के द्वारा अपनी जनता को, प्रजा को, सबको, हम सबके लिए ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि महान व्यक्तियों के, महान संतों का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। तो वैदिक पद्धति के अनुसार विधिवत, भागवत में कहा है बिल्कुल विधि के अनुसार उन्होंने जो है इनका स्वागत किया। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जब ऐसे महान व्यक्ति आते हैं तो उनको आसन ग्रहण करवाया जाता है। सबसे पहले हम उन्हें उपयुक्त आसन देते हैं ताकि वो आकर के वहाँ पर विराजमान हो जाएं। वहाँ पर विराजमान होने के पश्चात हमें सर झुका करके जमीन पर गिर करके उनको साक्षात दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो पृथु महाराज ने भी यही किया, सबसे पहले उनको उपयुक्त आसन प्रदान किया, आसन प्रदान करने के पश्चात में दंडवत प्रणाम किया, उनका अभिनंदन किया और बाद में वैदिक पद्धति के अनुसार सबसे पहले उनके चरण कमलों को धोया जाता है। तो पानी से उनके चरण कमलों को धोया और वो जो धुला हुआ पानी होता है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। हमने इसे पहले कथाओं में सुना था ना, महाराज पृथु क्या चाहते थे, महान संतों के चरण की धूल अपने मुकुट पर सदा लगाना चाहते थे। तो अब अगर हम महात्माओं के चरण उनको धोते हैं तो उसकी जो धूल है वो उस पानी में मिल जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस पानी को अपने सर के ऊपर छिड़कना चाहिए। यही महाराज पृथु ने किया, यही जो है सही प्रकार का महान संतों का अभिनंदन की प्रक्रिया है। इस प्रकार से महान भक्तों का जो है स्वागत किया जाता है। और खासकर जो है ये हमें समझना है कि जो ये महान संत होते हैं, ये चार कुमार कौन है, ये चार कुमार कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये संप्रदाय के आचार्य हैं। कौन सी संप्रदाय के आचार्य हैं? चार संप्रदाय बताई जाती हैं जो प्रमाणिक हैं। वो क्या क्या है, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी जी की संप्रदाय, ब्रह्मा जी की संप्रदाय और चार कुमारों की संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। ये चार वैष्णव संप्रदाय हैं। तो ये जो चार कुमार हैं ये कुमार संप्रदाय के आचार्य हैं। तो आचार्यों का, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन, उनके प्रति हमारा आदर कैसा होना चाहिए, बड़ा अद्भुत होना चाहिए। भागवतम में भगवान कृष्ण कहते हैं आचार्य को मुझसे अलग मत समझो। वो क्या कहते हैं, आचार्य माम विजानिया, आचार्य को मेरे जैसा ही साक्षात समझो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं साक्षात हरित्वेना, भक्त के लिए, शिष्यों के लिए आचार्य जो है
हरि के ही बराबर होता है। वो हरि नहीं है, वो हरि को अत्यंत प्रिय है, लेकिन उनका स्थान, उनका आदर, उनकी उपासना हरि के बराबर ही की जाती है, भगवान के बराबर की जाती है। ये जो है पृथु महाराज ने अपने आचरण के द्वारा समझाया। तो उन्होंने जो है उनको आसीन किया और इसके बाद में यथाविधि उनकी उपासना की और बड़े ही विनम्र भाव से अब जो है कुछ शब्द कहना चाहते हैं, बड़े हिचकिचा रहे हैं क्योंकि बड़े विनम्र हैं इनके सामने ऐसे महान संत वहाँ पर पधारे हुए हैं, तो उनसे कुछ शब्द कहना चाहते हैं। तो भागवतम में विवरण दिया है, ये चार संत जो हैं जब उस सोने के आसन के ऊपर बैठे हुए थे, ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो अग्नि है। जैसे सोना जो है पीले कलर का होता है और उसमें से जो तेज निकलता है और अग्नि से भी वही तेज निकलता है, तो मानो आसन के ऊपर बैठे हैं और उनके शरीर से तेज निकल रहा है। तो वहां पर विवरण किया गया है कि ये चार कुमार कौन हैं। वहां पर बताया है ये चार कुमार जो हैं भगवान शिव के भाई हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से भगवान शिव का भी जन्म हुआ और ब्रह्मा जी से इन चार कुमारों का भी जन्म हुआ। लेकिन ये भगवान शिव के बड़े भ्राता हैं, पहले चार कुमारों का जन्म हुआ। तो इस विषय में हम थोड़ी चर्चा और अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।